So putting in firing. तो वो अग्निहोत्र नहीं है, वो अलग यज्ञ हो जाएगा मैं अगर हम नवग्रह स्ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बताया कि देसी गाय का घी, देसी गाय के अंडे एंड अनब्रोकन राइस, दीज आर द ओनली मटेरियल विच वी आर सपोज टू यूज. वी शुड नॉट यूज एनी अदर मटेरियल. इफ वी आर यूजिंग इट दैट मे नॉट बी अग्निहोत्र, दैट कैन बी अ डिफरेंट टर्म्ड एज डिफरेंट यज्ञ. थैंक यू सर। या सुनंदा जी, सुनंदा अभी जी गुड इवनिंग. अच्छा भी अभी भी मत कर रहे थे। थैंक अच्छा धन्यवाद. यू थैंक यू। हाँ ओके सवाल. కర్పూర కొట్టొచ్చి అంటుతారు అవ్వరు కర్పూర ఆకుపడుతు ఉంటారు అయితే కర్పూర యూజ్ కర్పూర నహీ కర్నా, कर्पूर आप शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, तो बहुत सारा डाउट्स आपका क्लियर है. अभी अभी कैसे प्रोसीजर करना है, अभी आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर 20 मिनट्स बचे. ठीक है, तो ये ऐप डाउनलोड करना, ऐप डाउनलोड करना और ऐप का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना, ये सबको पता चल गया है क्या? हैव यू ऑल डाउनलोडेड अग्निहोत्र बड़ी ऐप? सबने डाउनलोड किया है क्या अग्निहोत्र बड़ी ऐप? अगर आप डाउनलोड करते हो, कितने लोग अग्निहोत्र प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, और कितने लोग चाहते हैं अग्निहोत्र प्रैक्टिस करने के लिए? समटाइम्स ओनली सर आई अच्छा, एक बार जब हम अग्निहोत्र करते हैं ना, तो 12 घंटे तक हमारे घर में एनर्जी रहती है. सरिता अरे हेडफोन कपड़ सरिता तो एक बार जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो 12 घंटे एनर्जी होती है. तो आप कोशिश कीजिए जितना ज्यादा बार आप अग्निहोत्र कर पाओ, धीरे अच्छा धीरे 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 आप इससे दूर नहीं रह पाओगे. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो नित्य नियम से अग्निहोत्र करते हैं, उनकी लाइफ में काफी बदलाव आता है. यार क्या हो रहा है, आई होप आई हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेरीज सो फार. नीड टू स्टार्ट. हाँ नंदी जी, यू कैन कनेक्ट विद आयुष मंडलम एंड दयानंद जी आपको हेल्प कर देंगे इसके लिए, अग्निहोत्र कुंड के लिए और पूरा मटेरियल के लिए. ठीक है, सो टुडे वी विल, मैंने ये यहाँ पर आई विल ट्राई टू शो हाउ टू, थोड़ा दिक्कत होगी. आई होप आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं अरेंजमेंट करके भी आपको बताऊंगा कि कैसे. अभी ये आप देख सकते हो कि मैंने एक टेबल रखा है सामने, और जो टेबल है वो लगभग चेस्ट के लेवल पे, नियर टू माय चेस्ट, बिकॉज आवर गुरुजी टोल्ड दैट वी शुड ट्राई टू कीप अग्निहोत्र कुंड नियर बाय टू योर चेस्ट, हृदय चक्र के पास. व्हाट दैट विल डू इज, हृदय चक्र के पास रखने से इट विल हेल्प यू टू बिकम मोर कंपैशनेट. और हमको वैसे भी वी हैव टू ऑलवेज थिंक ऑफ क्लीनिंग हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र एंड आत्मा चक्र, इन दैट लेयर वी शुड स्टार्ट वर्किंग. ठीक है, तो उसलिए जमीन पे रखोगे तो एनीवेज इट विल बी पैरेलल टू योर मूलाधार चक्र, एंड थोड़ी हाइट पर रखोगे तो इट विल बी पैरेलल टू योर हृदय चक्र. हाँ, इज इट क्लियर नाउ? आई विल स्पीक बिट लाउड, इज इट ओके ना? ओके यस थैंक यस यू, थैंक यू दैट दैट इज हेल्पफुल टूडे. आई एम ट्राइंग टू
तो ये मैं अरेंजमेंट कैसे कर रहा हूं, वी कैन अरेंज इट इन अ स्टैकिंग मोड और अ ट्राइंगुलर मोड। ये ऐसा इसको अरेंज करना है काउडंग बिस्किट्स को, ताकि हवा अच्छी तरह से पास हो जाए और अग्नि ठीक से प्रज्वलित हो जाए। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि यू शुड नॉट यूज मैचस्टिक टू बर्न इनसाइड द कॉपर सेट। आपको किसी भी प्रकार का कैंडल इंसर्ट करके इसको प्रज्वलित नहीं करना है, कि ऑल दैट इज केमिकल इंटरफेरेंस टू दिस कॉपर सेट एंड दिस ऑल मटेरियल। तो किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं करना है। हमें क्या करना है, मैडम हमें हमें ऐसे दिया लेना है, ये घी का एक लीटर दिया लेना है, और वो दिया को प्रज्वलित करके फिर काउडंग बिस्किट अलग से प्रज्वलित करके फिर उसको अंदर रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी ना घी अप्लाई कर रहा हूँ। आई विल शो यू हाउ टू। इन इन द मीन वाइल आपको सुबह का और शाम का मंत्र पता चला है क्या, कैसे बोलना है, कैसे उच्चारण करना है? आर यू ऑल अवेयर? यस सर। हाँ, शाम का मंत्र है। अच्छा, हमेशा अगर आपका अग्निहोत्र में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ब्रेक हो गया है तो आपको जब भी अगर लग रहा है आपको कि 15 दिन का गैप हो गया है, तो आपको अग्निहोत्र शाम से ही चालू करना है, शाम के अग्नि, बिकॉज हमको अंधेरे से उजाले की ओर जाना है। वी हैव टू गो फ्रॉम डार्कनेस टूवर्ड्स ब्राइटनेस। ठीक है, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा दिन आप नहीं अग्निहोत्र किया है, तो शाम के अग्निहोत्र से शुरुआत करनी है। टेलीग्राम नोड़ी ಮಾಡದಂತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ ಮಮತಾ ಮ್ಯೂರಿಕ್ ಜಿ, ಎನಿ ಕಳಿಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು ಹಾ ದೇವಿ ಸಿಂಗ್ ಜಿ, ಹಾ ಯಾ हाँ देवी सिंह जी, वी हैव देवी सिंह हियर विद अस, हु हैज बीन परफॉर्मिंग अग्निहोत्र सिंस लास्ट 30-35 इयर्स। देवी सिंह जी, कैन यू गाइड दिस ग्रुप इन कन्नड़ा, यस बिकॉज यस दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग अग्निहोत्र। हेलो यस, यू आर ऑडिबल देवी सिंह जी। ओके ओके हेलो ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಕೋಟ ಸಮೀಪ ಗಾವಿಗಿದೆ ನಂದು ಕೇಸರಗಳ ಅಂತೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕೇಳಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತದಿಲ್ಲ ನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಂದ ಊರಿದ್ದೆ ಆ ಕಡೆ ಕೆಸಳುಗ ಅಂತೆ ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಏಜ್ 42 ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದೆ ನಾ 36 37 ಇಯರ್ಸ್ ದಂದೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ತೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಿಮ್ಗ ಹಂಗ ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರಿ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸರ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 4 to 5 ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇವಿ ಸಿಂಗ್ ಜಿ, ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ವಿ ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಚ್ ಯೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹೌ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಕೌಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಘೀ ಆನ್ ಇಟ್. सो इवनिंग मंत्र इज अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नाम प्रजापतये स्वाहा। सो देर आर इन दिस इवनिंग मंत्र एंड मॉर्निंग मंत्र देर आर ओनली टू वर्ड्स कॉल्ड स्वाहा। सो वेन देर इज अ वर्ड कॉल्ड स्वाहा कम्स इन, वी हैव टू गिव ऑफरिंग्स of rice to Agni.
ठीक है, एग्जैक्ट स्वाहा वर्ड वी हैव टू गिव ऑफरिंग, ठीक है, सो एंड दैट वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर पुटिंग दैट ऑफरिंग एट एग्जैक्ट गिवन पॉइंट इन टाइम. नाउ देर आर 11 मिनट्स लेफ्ट, सो वी स्टिल हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम. सो व्हाट ऑल यू कैन डू टू सेव योर टाइम इज यू कैन कीप दिस काउडंग बिस्किट्स इन सम अप्लाइंग घी इन योर स्टील बॉक्स थिंग सो दैट यू कैन सेव योर टाइम. ठीक है, देर आर मेनी वेज सो यू कैन ऑटोमेट थिंग्स, यू कैन कीप थिंग्स रेडी. या हेलो हाँ सर, यस 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 सुमित. सर इन बैंगलोर इट इज शोइंग 6:39 एज द टाइम ऑन अग्निहोत्रा बड़ी ऐप. करेक्ट करेक्ट, ये इट विल ओके. वेरी अक्रॉस इंडिया, इट विल वेरी अक्रॉस इंडिया. सो आई एम सिटिंग इन नवी मुंबई. अच्छा, पण या मुंबई आणि बंगलोर मध्ये एवढा फरक पडणार, सो लॉन्गिट्यूड मच अँड डिफरेंट. लॅटिट्यूड नुसार हाँ तुम्ही पूर्वेकडे गेलात ना तर तो झाला पण अग्निहोत्र, होऊन पण गेला तिकडे, अच्छा, ओके मग तो ओके सर. सगळीकडे वेरी करतो. म्हणजे एवढा फरक पडतो ना. ओके ओके सर. हो, मुंबईतल्या मुंबईत पण आहे ना सेकंडचा डिफरेंस येतो, 3-4 सेकंड, अच्छा 5 सेकंड. हाँ, ओके सर. त्यामुळे तो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू यू हैव टू एन्श्योर दैट यू टेक आउट टाइम टेबल फ्रॉम योर ओन लोकेशन. ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡುವೆ ನಮಗೆ. So this is, I will show you the arrangement which I have done. Can you see this arrangement? ये arrangement कैसे भी करना है आपको, लेकिन और बीच में स्वाहा कर करना. सर यू म्यूट ऑल ऑफ देम सर. Yes, yes, I'll do that. Can you hear me right? Thank you. So this is how we can arrange it, and I have created a gap in between. I hope this is visible. So I have added few cowdung biscuits, and this cowdung biscuits, it's up to you how much medicines you are looking for. You can use 2 biscuits, 4 biscuits, but you have to ensure that we have a blazing fire while performing Agnihotra. Okay. So that is very important. Okay. So now only 8 minutes are left. 8 minutes left. I will ask again. Only 8 minutes are left. So I have kept last piece applying ghee separate. So this is the arrangement. I have kept this rice also ready with me. Unbroken rice. So unbroken rice, it has to be completely unbroken rice. There should not be, you should not use a single rice which is half broken. It has to be complete single rice. And desi cow ghee I have used. And this is a diya, a matchbox, and a candle. So now only 7 minutes are left. So I have kept this entire thing ready. I am sitting facing east, and that's all. So this is how you should try. So it is not compulsory you have to sit down and perform Agnihotra. If people are uncomfortable sitting down, they can sit on chair. And they can put their Agnihotra on a teapot or any table if they are comfortable. See, understood, performing Agnihotra is important. Even you can perform while standing
you can perform Agnihotra while standing. So there is no rules and specific rules and regulation. Only thing is, you should be there, available in front of Agni. See, if you are able to sit down, there are patients who cannot sit down, right? So if you have patients at home, then they should perform Agnihotra regularly, so that their immune starts boosting and they will be able to fight with whatever type of ailments they are going along. So performing Agnihotra helps them to heal in a faster way. So you ensure any of the senior citizens or any children, they should perform Agnihotra regularly. So it helps them to maintain their health properly. Because there we have seen people, children are suffering frequently with fever or any kind of snoozing, coughing and all. They should perform regularly Agnihotra. Sir, will it help the children to concentrate better if I do it and the children don't do it? They are present in the house, but I will perform, and will their study concentration will improve? Definitely, it will improve, because if you are performing Agnihotra on a regular day, you are injecting positivity in your house. For example, आपने वो तड़का समझते हो, आप जब आप तड़का लगाते हो मिर्ची का, जी जी हाँ, I don't know what it called, when you cook food, आप वो तड़का लगाते हो तो मिर्ची का तड़का लगाते हो, तो मिर्ची का तड़का का क्या हो जाता है, पूरे घर में सुगंध उसकी खुशबू फैल, जी जी फैल जाती है, पूरे घर में सुगंध फैल जाती है, और आस पड़ोस में अगर बाहर से भी कोई पास ऑन होगा तो उसको भी गले में ऐसे थ्रोट में थोड़ा सा ये होना चालू हो जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ दैट तड़का. तो अग्निहोत्र करने से होता क्या है, आप आपके एनवायरनमेंट में घी के रूप से, देसी गाय के कंडे के रूप में आप पॉजिटिविटी इंजेक्ट करते हो वातावरण में, जो दिखाई नहीं देता लेकिन वो होता रहता है. ये तड़का का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आपको वो समझ में आए, यू कैन रिलेट, कि जिस प्रकार से तड़का काम करता है ना, उस प्रकार से अग्निहोत्र भी आपके वातावरण को पॉजिटिवली पूरी तरह से वो कवर कर लेता है 60 फीट के रेडियस में. बहुत ज्यादा करता है, लेकिन कुछ रिसर्च में 60 फीट चेक कर चुके हैं, तो इसलिए मैं अभी आई एम स्टिकिंग टू 60 फीट ओनली. फॉर इफ यू आर टच एनीवन फ्रॉम फैमिली, यस यस, एनी मेंबर, see this Agnihotra kit can be used by any family members, isme aisa koi nahi hai, lekin ek bar mein ek hi yajman hota hai, matlab ek bar ahuti dene wala ek hi yajman, you cannot have multiple people offering Agnihotra. Now abhi keval 3 minute bache hai mere yahan par, main Agnihotra prajwalit kar raha hu, aap देख सकते हो मैंने यहाँ पर दिया रखा है, और मैं जो लास्ट वाला काउडंग बिस्किट था उसको मैंने लिया है, ठीक है, उसको मैंने अच्छी तरह से घी अप्लाई किया है, केवल घी लगाया है और कुछ भी नहीं किया. सो ओनली 2 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स आर लेफ्ट. सो ये आप लोग धीरे धीरे, आप शुरुआत में थोड़ा ज्यादा समय लीजिए, आप 4 मिनट पहले प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस होने से ना वो, और महिलाओं को तो वैसे भी बहुत सारी लड़ाई और लड़ने की आदत होती है, तो ये बहुत ही छोटी लड़ाई है आप लोगों के लिए, करेक्ट कविता जी एंड ऑल, ये बहुत ही छोटी लड़ाई है. हाँ, वैसे भी आप दिन भर में इतना इतना सारा काम धाम एट अ टाइम, मतलब मल्टीटास्किंग ये वर्ड शायद है ना बहुत लेट है, वो तो महिला जन्म लेती है तो उसके साथ वो वर्ड आ ही जाता है, ये आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है मल्टीटास्किंग, बट आई नो आर वेमेन्स दे बिन डूइंग दिस सिंस एजेस, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है करना अग्निहोत्र, लेकिन आप
का क्या प्रॉब्लम है मालूम है? आप खुद के लिए समय निकाल नहीं पाते हो, और अग्निहोत्र क्या करेगा मालूम है? आपकी ये जितनी भी आप लड़ाइयाँ लड़ते हो ना, बहुत ही आसान कर देगा, मतलब आपका जीवन इतना सुखकर कर देगा कि मतलब जितने भी थ्रू आउट द डे आपको जितनी भी तकलीफों से या उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, वो बहुत ही आसान हो जाए। तो आप देख रहे हो मैंने केवल देसी गाय का घी, देसी गाय के कंडे और ये अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है। नाउ ओनली 44 सेकेंड्स आर लेफ्ट। तो अभी ये आप देख रहे हो मैंने 10 थोड़े से दाने देसी अनब्रोकन राइस के लिए है, इसको घी लगाया है, आप ये देख सकते हो। इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? इज इट विजिबल? यस सर, अभी मैं इसको ये ऐसे मृगी मुद्रा में लूंगा। मृगी मुद्रा मतलब आपको शांति और सुख देने के लिए इस मुद्रा का प्रयोजन किया जाता है। 9 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, 7, 6, 5, 4, 3। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, अब तू जस्ट कीप स्टेयरिंग। ये अग्नि को केवल देखने से ही आंखों के जितने विकार है, अगर आप इस अग्नि को देखकर त्राटक कर सको तो सभी व्याधियों से आप मुक्त हो सकते हो। मतलब आंखों की जितनी बीमारियां दूर करने के लिए केवल अग्नि को ध्यान देकर देखना। तो ये आप देख सकते हो कि केवल देसी गाय का घी, देसी गाय के कंडे, और ये सबको पॉसिबल है। बस कुछ दिनों, 2-4 दिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने में लगता है, और उसके बाद ये बहुत आसानी से हो जाता है। ये मैं कर सकता हूँ ऐसे कोई नहीं, ये हर व्यक्ति कर सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान देकर करे। आप अगर बच्चों से अग्निहोत्र करवाते हो तो साथ में बैठे और उनसे भी करवाए, उनको बहुत अच्छा लगता है ये सब करने के लिए। किड्स दे मीन्स उनको बहुत मजा आता है ये करते हुए कि ये कुछ अलग है। एंड यू यू स्टार्ट एंगेजिंग देम, स्टार्ट सिटिंग विद देम, स्टार्ट परफॉर्मिंग अग्निहोत्र विद देम। उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है उन्हें भी काफी मदद होती है। जिस घर में नित्य नियम से अग्निहोत्र होता है तो हमारा जो प्राण वायु है यहाँ पर हिट होता है, वातावरण, शुद्ध वातावरण यहाँ पर हिट होता है, फिर शुद्धि चक्र से हम एग्जीक्यूट करते हैं। नॉर्मली अग्निहोत्र का अग्नि चालू रहते हमें शांत रहना है, बट टुडे जस्ट फॉर डेमो पर्पस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन मेनी थिंग्स। आप अग्नि को देखते ही या तो अपने इष्ट देवता का ध्यान कर सकते हो या कोई भी संकल्प कर सकते हो, छोटे छोटे संकल्प कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग का अग्निहोत्र कर रहे हो या इवनिंग का अग्निहोत्र कर रहे हो साथ में, या ऐसे ग्लास ऑफ वाटर आप रख सकते हो और संकल्प कर सकते हो। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अग्निहोत्र बट पानी आप साथ में रख सकते हो और वो पानी संकल्प होने के अग्निहोत्र होने के बाद आप वो पानी खुद पी सकते हो, पूरे परिवार के सदस्य को आप दे सकते हो। छोटे छोटे संकल्प, और छोटा छोटा संकल्प में आपको क्या करना है, मेरे परिवार के सभी सदस्य और ये आयुष मंडलम के जितने भी साधक हैं सभी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, सभी पूरी तरह व्याधि मुक्त हो चुके हैं। ऐसे छोटे छोटे संकल्पों के साथ हमें जीवन की शुरुआत करना सिखाता है। अग्नि और कोई सवाल? हरिणी जी, कैन यू हियर मी हरिणी जी?
वुड यू लाइक टू शेयर योर अनुभव, आपको शेयर करना है हरिणी जी? आई कैन सी या आनंद जी हेलो बताइए। आनंद जी सर, एक टाइम में एक ही लोग डाल सकते हैं? चार लोग रहेंगे तो चार लोग भी डाल सकते हैं जी उसमें? नहीं, एक एक पात्र में एक ही यजमान। एक ही यजमान जी सर, और बाकी सदस्य परिवार के सदस्य साथ में बैठ सकते हैं अग्निहोत्र करते वक्त। लेकिन आहुति डालने के लिए हमारे पास है ना दो अपॉर्चुनिटी होती है, एक सूर्योदय और सूर्यास्त, दोनों समय पर। तो आप डिवाइड कर सकते हो कुटुंब में, आप बता सकते हो कि मॉर्निंग में मैं अग्निहोत्र करूंगा, शाम को मेरी पत्नी अग्निहोत्र करती है, वीकेंड में हमारे बच्चे, हम साथ में मिलकर दो तीन पात्र के साथ एक साथ अग्निहोत्र करते हैं। तो इससे क्या होता है मालूम है, धीरे धीरे आपके कुटुंब में यूनिटी बढ़ना चालू होती है। जी सर, यस यस, पैडी राइस कैन बी यूज सर, पैडी राइस ओके इज सर, अ कैन बी यूज। थैंक यू सर। धन्यवाद आनंद जी। सर अग्निहोत्र बड़ी इज द ऐप यू कैन डाउनलोड, एंड अग्निहोत्र बड़ी ऐप में आपको आपका घर लोकेट करना है और केवल एक ही बार चैंट करना है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आप लोग पूछ रहे हो, आई एम ग्लैड टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। बिफोर वी जंप इन, क्या हम लोग एक अफर्मेशन करें? आप लोग करना चाहोगे मेरे साथ एक अफर्मेशन? दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अग्निहोत्र बट ये अग्नि प्रज्वलित है। श्योर सर, अगर आप लोग चाहोगे तो हम छोटा छोटा सा अफर्मेशन करना चाहेंगे। यस प्लीज। ये कल मैंने बोला भी था तो, हाँ और काल पण सांगितलं होतं। यस हाँ ये मैं लिख कर भी भेजूंगा आपको। लेकिन अभी अगर आप सुन लो, अगर आप मेरे पीछे आप अगर कंप्यूटर ठीक है बोलते हैं कविता जी एंड एवरीबडी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये संकल्प है, ये अग्नि चालू रहते आप कर सकते हो। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अग्निहोत्र। ये अगर आप चाहोगे तो मैं लिखकर भेज सकता हूँ आप लोगों को। ओम ओजो असी ओजो मईं देही, ओम तेजो असी तेजो मईं देही, ओम बलम असी बलम मईं देहि, ओम आरोग्यम असी आरोग्यम मईं देहि, ओम सहो असी सहो मईं देहि, ओम तच्चक्षुर्देवहितम् पुरस्ताश्चक्रम उच्चरत पश्येमा शरदशतम जीवेमा शरदशतम शृणयामा शरदशतम प्रब्रावमा शरदाशतम आदिरस्यामा शरदाशतम भूयश्च शरदशतात्। ये जो लास्ट वाला जो मंत्र मैंने बोला, ये मैंने कल भी आपको बोला था कि जितने साधक यहाँ पर जुड़े हुए हैं आज, उन सबको जितने साधक यहाँ पर जुड़े हुए उन सबको पूरी तरह स्वस्थ रहना है। जो मैंने पहला अक्षर बोला कि जीवे मश्शरदशतम, मतलब 100 साल तक हमारा जीवन पूरी तरह स्वस्थ बना रहे,
हमारी आंखें 100 वर्षों तक पूरी तरह स्वस्थ, श्रुणियाम शरदा शतम, मतलब मेरे सुनने की क्षमता 100 साल तक बनी रहे। प्रबरा बमा शरदा शतम, प्रबरा बमा मतलब बोलने की वाक शक्ति भी 100 साल तक बनी रहे। आदिनस्याम शरदा शतम, आदिनस्याम मतलब मैं किसी पर भी आधीन होकर अपना जीवन व्यतीत ना करूं। सो आई शुड बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, 100 वर्षों तक मेरा जीवन पूरी तरह स्वस्थ रहे, तो ये इसका अर्थ है। तो दिस वॉज द अफर्मेशन विच वी डिड जस्ट नाउ। तो ये अग्निहोत्र के साथ आप कर सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी, आई कैन गिव यू इन रिटर्न। सो हमें जो भी शाश्वत चीजें हैं उनका ही आह्वान करना है यज्ञ में। जो भी कंज्यूमेबल या मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनके बारे में हमें सोचना भी नहीं, ठीक है? और कोई सवाल? 10 to 12, 15, 10, 12, जितने भी आप राइस ले सकते हो ले सकते हो, उसको दो भाग में डिवाइड करिए। पहला स्वाहा कर आपको 3 सेकंड पहले करना है, अग्निहोत्र बड़ी में आपको देखकर करना है, 3 सेकंड पहले आहुति देनी है। और वो बाकी का जो सेकंड स्वाहा कर है, प्रजापति स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः, वो आपके रिदमिक मोड में आपका आ जाए, ठीक है? और कोई सवाल? नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, आई एम डन विथ माई डेमो। आई होप इट वॉज क्लियरली विजिबल टू यू गाइस। सर, कैन वी डू दिस इन पूजा रूम सर? पूजा रूम, यस यस यू कैन डू इन योर पूजा रूम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू यू कैन सर, डिसाइड वेर एवर यू वॉन्ट टू डू इट। थैंक यू सर। सर ये डेली पीने का पानी में डालना कर को बोला था ना सर, 1 लीटर को कितना डालना है सर? 13 लीटर 1 टेबल स्पून। सो हमारा जो मटका होता है, अर्दन पॉट होता है, तो आई थिंक वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 और बिलो। सो यू कैन पुट 1, 1.5 टेबल स्पून, दैट इज फाइन, इवन इफ इट इज 10 लीटर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार वो मटके को धोते हैं, तो अंदर जितना भी ऐश पड़ा रहता है वी पुट इट टू आवर प्लांट्स। ठीक है, और कोई सवाल? सर एग्रीकल्चर हाउ टू सेंड दिस होम? एग्रीकल्चर में क्या करना पड़ता है वाले में इसको, जैसे मान लो अगर आपका 10,000 स्क्वायर फीट का जगह है, तो उसमें रेजोनेंस निकालना पड़ता है लोकेशन का, और उसका सेंटर पॉइंट निकालना पड़ता है। और सेंटर पॉइंट निकाल के वेयर वी हैव टू क्रिएट वन स्मॉल हट ऑफ अग्निहोत्र, वेयर अग्निहोत्र इज बीइंग परफॉर्म ट्वाइस अ डे, और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वहां पर 4-4 घंटा त्र्यंबक हवन की करना पड़ता है। तो होमा फार्मिंग इज नॉट कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ, मतलब पैसे का खर्च नहीं लगता है वहां पर, वहां पर है ना ह्यूमन एफर्ट्स ज्यादा लगता है। मतलब दोनों समय पर आपको अग्निहोत्र करना है, और 10 कॉर्नर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, जिसमें जमीन में ये अग्निहोत्र के कुंड बरी करने पड़ते हैं, वेयर इन टू क्रिएट अ रेजोनेंस एट द सेंटर पॉइंट वेयर अग्निहोत्र हट इज बिल्ट। सो दैट डिपेंड्स अपन द एरिया एंड ऑल, दैट नीड्स अ सेपरेट कंसल्टेंसी, बट वो उसका एक प्रोसीजर होता है, वी कैन टॉक ऑन केस टू केस बेसिस पे। यस थैंक यू या आई होप दैट आंसर्स। ओके सर, आई हैव अ सर, कौन? क्वेश्चन। यस सिंधु जी बोलिए। व्हेन यू आर ऑफरिंग राइस ग्रेन्स, शुड वी स्मियर इट विथ घी एंड ऑफर, और वी कैन जस्ट ऑफर इट डायरेक्टली? नो नो, यू शुड स्मियर इट विद घी, आई टोल्ड दैट आई मे आउट ऑफ मिस इट, यू हैव टू स्मियर इट विद घी, अप्लाई लिटिल अमाउंट ऑफ घी एंड टेक वन अ पार्ट ऑफ दिस राइस फर्स्ट, दिस इज मुर्गी मुद्रा, यू अंडरस्टूड राइट? यू हैव टू कीप यस योर लिटिल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर अवे, ठीक है? देन यू ऑफर इट, दैट्स हाउ यू कैन डू द ऑब्लेशन। ओके थैंक यू सर। धन्यवाद।
सर ये अग्नि जलाना कर को बोला तो 5 मिनट पहले जला दिया तो क्या भी नहीं होता है ना सर, वो टाइम को डालना कर को बोला तो 5 मिनट पहले जला दिया तो क्या भी नहीं 4 मिनट होता पहले कीजिए, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़े दिन आप थोड़ा जल्दी चालू कीजिए, बट धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो वो आप 3 मिनट पहले भी कर पाओगे। तो महिलाएं बहने तो, मेरी वाइफ तो 30 सेकेंड में भी कर लेती है सर, एवरीथिंग फटाफट फटाफट कर लेती है। वो सो ये फ्लो बहनों रहता है को ना सर, एक डालना है नहीं तो दो डालना है सर, वो तो वो सोचना है ना सर, उसके लिए वो एक ही में कर सकता है ना सर, क्या क्या, रिपीट कीजिए आपका क्वेश्चन। वो ये इस गांव का ये रहता है ना सर, वो दो कंडे डालना है कंडे एक डालना है, कंडे कंडे सर, हाँ सर, वो हाँ वो आप, इट डिपेंड्स कि आपको कितना मेडिसिन बनाना है, ये पूरा मेडिसिन बनाने का प्रोसीजर है। अच्छा सर, अच्छा सर, घर उसके के लिए पहले वो ना तो एक में कर सकता ना सर, आप कितना भी इस्तेमाल कर सकते हो, अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए, ये ब्लेजिंग फायर होना चाहिए, दैट यू हैव टू एंश्योर। आपने दो कंडे यूज किए, 4 कंडे यूज किए, 5 कंडे, अग्नि ब्लेजिंग होना चाहिए तब जाकर शुद्धिकरण होता है। धुआं नहीं होना चाहिए, अगर घर में अस्थमा का पेशेंट है तो आप, धुआं होने लगा तो आप गैलरी में अग्निहोत्र का पात्र उठा के रख दीजिए, ठीक है। ओके सर, तो थैंक ये यू केयर अपने को लेना है। लेना सर। नमस्ते सर, लेना जी, सर कैन वी कीप द कुंडा ऑन द फ्लोर विदाउट एनी वुड बिलो इट? कुंडा ऑन द फ्लोर, या कुंडा आर हैविंग अ स्टैंड बिलो, हाँ आप डायरेक्टली फ्लोर पे रख सकते हो, इन ग्रेनाइट में भी कुछ इश्यू नहीं होता है उसकी वजह से। ये बहुत ही छोटा है अग्नि, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। थैंक यू सर। और कोई सवाल? एक हाँ, बताइए मैम। एक चीज पूछना था कि मेरे भाई बैंगलोर में रहते हैं और मेरे पेरेंट्स दूसरे प्लेस में रहते हैं, सो दोनों प्लेसेस में दे कैन परफॉर्म दी अग्निहोत्रा, राइट? यस, बिकॉज जो भी अग्निहोत्र कर रहा है वो व्यक्ति उसके लिए, खुद के लिए कर रहा है, ठीक है। ओके हाँ, तो उसका असर उस व्यक्ति पर होगा और उसके आजू बाजू में जितने लोग हैं उन पर होगा। तो ओके लोकेशन अलग है तो वहां पर भी कोशिश करना चाहिए हमको चालू करने का। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन आई हैड, यस यस इफ आई स्टार्ट डूइंग इट एंड इफ आई ट्रैवल एंड इफ आई डिसकंटिन्यू फॉर 2-3 डेज, वंस वी कम बैक कैन वी नो, स्टार्ट डूइंग इट अगेन? नो, और एनीवन इन द यू कैन स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट कम इट बैक? एंड एनी वन एट होम कैन कंटिन्यू डूइंग इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट ओके आई डू यूजुअली इज, ओके आई यूजुअली कैरी माय अग्निहोत्र पात्र अलोंग विद मी वेयर एवर आई गो, इवन आई ट्रेवल मोस्ट ऑफ द टाइम टू बैंगलोर। ओके तो बैंगलोर में मैं करता रहता हूँ, बोमनअल्ली में रहता हूँ मैं, बोमनअल्ली या सिल्क सिल्क बोर्ड के पास रहता हूँ। ओके मेरा लास्ट टाइम एक अग्निहोत्र का सेशन होरमाऊ में हुआ था, तो या होरमाऊ में हमने डेमो रखा। तो यूजुअली आई ट्रैवल बैंगलोर बिकॉज माय ऑफिस लोकेशन इज एट बैंगलोर ओनली, वेयर सर, इन विच लोकेशन? इट्स इन बोमनअल्ली, ओके या गारवे भावे अलिया, पढ़ लिया, या ओके ओके सर, थैंक यू सो ये। मच सर। व्हाट इज योर ऑफिस नेम सर? इट्स विजन नेट, आई एम इन आईटी वर्ल्ड। बिकॉज आई स्टे नियर सिल्क बोर्ड ओनली। अच्छा, दैट इज द प्लेस वेयर आई रिसाइड फॉर होटल स्टे, बट बिकॉज दैट इज इजियर लोकेशन इवन टू कम बैक टू मुंबई, दैट्स व्हाई आई प्रिफर दैट सिल्क बोर्ड लोकेशन। ओके या एनी अदर क्वेश्चंस? आई हैव मेनी आई हैव अदर अ क्वेश्चन, एग्जाम्पल। आई हैव अ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल एज द अदर लेडी सेड, वी विल डू फॉर 2-3 डेज एंड वी हैव टू ट्रेवल आउट ऑफ द स्टेशन एंड वी आर नॉट एबल टू टेक इट, अगेन वी कम बैक एंड वी स्टार्ट, राइट? देर इज नो हार्म, देर इज नो हार्म, यू कैन स्टार्ट। सी, एंड अग्निहोत्र इज अ टेक्निक, यू कैनॉट स्टे फॉर लॉन्ग अवे फ्रॉम दिस टेक्निक। अग्निहोत्र ना, हर बार जब मैं अग्निहोत्र करता हूँ ना, हर बार कुछ नया देता रहता है, मतलब आपका विजुअलाइजेशन पूरी तरह से चेंज होता है, आपके पूरे
जैसे मैंने बताया कि आपके जीवन में आने वाले लोग बदल जाते हैं और आप पूरी तरह ना आपका विजनरी हो जाते हो, जितना भी आप अग्निहोत्र करते हो आपके घर में जो भी जितने भी सदस्य हैं उनमें भी आप धीरे धीरे बदलाव देखना चालू चालू होता है आपके घर, और बहुत सारा प्रभाव आपके अड़ोस पड़ोस में। इनफैक्ट माई नेबर, आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल, बिफोर बिफोर आई जम्प इन, यू आर टेलिंग समथिंग मैम। यस सर, वी कैन डू ओनली इन द मॉर्निंग, इज इट कंपलसरी टू डू बोथ द टाइम्स? इफ यू डू इट, सी इट्स अ बायोरिदमिक साइकिल, सन अपियर्स टू राइज इन द मॉर्निंग एंड अपियर्स टू सेट इन द इवनिंग, सो वॉट इव वेन एवर सी वी परफॉर्म अग्निहोत्र इन द मॉर्निंग इट हैज द इफेक्ट ऑफ दैट अग्निहोत्र फॉर 12 आवर्स इन द एंटायर विसिनिटी वेयर वी परफॉर्म्ड, एंड अगेन फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स वी नीड अगेन एनर्जी वेन वी कम बैक फ्रॉम आवर ऑफिस। इफ The family members who are there at home, if they can perform, that will really help because it doesn't take more than 10 minutes for you to perform. और 10 मिनट में होता क्या है? 10 मिनट में पूरा वातावरण शुद्धिकरण हो जाता है, पूरी तरह, मतलब आपके घर में जैसे मैंने कल बताया कि फॉर्मल्डिहाइड जैसा गैस पूरी तरह इंजेक्ट हो जाता है, एंड किसी भी प्रकार का पैथोजन, बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, ये पूरी तरह चैतन्य का स्नान है। आप जान लो हम रोज सुबह स्नान करते हैं, राइट, पानी से स्नान करते हैं। पानी से स्नान करने से क्या होता है, हमारा शरीर 7 अस्तित्व से बना हुआ है, उसमें से एक अस्तित्व है शरीर, हम उसको धोते हैं पानी से, लेकिन बाकी का जो 6 अस्तित्व का भाग है, अहम भाव, मन, बुद्धि, अंतकरण, यादगारे, इन सबको कौन है, मतलब देर इज नो क्लिनिक्स अवेलेबल फॉर देम, इन सबके लिए कुछ भी नहीं है अवेलेबल है। तो इन सबको हील करने के लिए हमें चैतन्य का स्नान लेना जरूरी है जो अग्निहोत्र से मिलता Will this also help for business growth? है। आई हैव टोल्ड मेनी एग्जाम्पल्स, जो व्यक्ति अग्निहोत्र करता है ना, उस क्या 360 डेवलपमेंट, आप यू आपके मन में जो इच्छा है ना, जो चीज आपको प्रभावी रूप से जिसमें आपको डेवलपमेंट देखना है उसमें आपका बदलाव आएगा। यू थिंक ऑफ फाइनेंशियल, यू थिंक ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, यू थिंक ऑफ योर हेल्थ, यू थिंक एनी एनीथिंग, अग्निहोत्र हैज गॉट सोल्यूशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल्स। जैसे मैंने कल आपको दिनेश सहगल जी का उदाहरण बताया कि ही गॉट हिमसेल्फ गेट रिड ऑफ ब्रेन स्ट्रोक अटैक, फिर बाद में एक वन ऑफ द पर्सन हु हैड फाइनेंशियल प्रॉब्लम आफ्टर गेटिंग अ ब्रेन ब्रेन अटैक, एंड व्हेन ही रिकवर्ड बैक ही स्टार्टेड डूइंग शेयर मार्केट एंड ही गॉट फैबुलस रिजल्ट्स आफ्टर दैट। आई आई डोंट काउंट दिस दिस एज वन ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम अग्निहोत्र, बट दीज आर दी बेनिफिट विच आर टोल्ड बाई पीपल, आई डोंट काउंट इट, बट ये होता है क्योंकि सी योर आपका मन जैसे जैसे शांत होता है ना, आप अच्छी सी अच्छी ऐसी कल्पनाएं करना चालू करते हैं और आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना चालू करते हो, तो आपका अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध होता है ना, तो चीजें बदलना चालू होती है। तो वो किन चीजों में बदलाव को आप अट्रैक्ट करते हो ना, वो चीजें बदलना चालू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस यस, और कोई सवाल? आप तो एक एग्जांपल बोलना था सर, वो बोल रहा था, वो बोलिए सर प्लीज। आई मिस दैट एग्जांपल। नहीं, आप सवाल पूछिए, मैं तब तक रिकलेक्ट करता हूँ वो। हर बार कुछ नया होता है करके कुछ बोल रहे थे सर, हाँ, हर बार कुछ नया होता है मेरे साथ करके कुछ बोल रहे थे। हर बार नया होता ही है, हर बार, मतलब मैंने देखा है कि पिछले 14 साल से मैंने जितना अग्निहोत्र किया है, 14 साल से मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया सर, मेडिसिन का जरूरत ही नहीं पड़ी, मेडिसिन फ्री जीवन जीना है तो अग्निहोत्र को आपको आपके जीवन में उतारना ही पड़ेगा। आप ये संकल्प ले लो, आप जितने लोग आप यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं, आप ये कोशिश कीजिए कि ये, और हमारे बच्चे इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक हम नहीं करेंगे,
ये मैं बोलूंगा कि मेरे बच्चों को ये करना चाहिए, दैट विल नेवर हैपन। मैंने पिछले 14 साल से, हाँ हाँ या गुड दैट यू रिमाइंड, ये नेबर वाला ही टॉपिक था। हमारे यहाँ पर ऐरोली नवी मुंबई में एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, एंड दैट बिल्डिंग हैज गॉट 42 मेंबर्स इन दैट बिल्डिंग। रबाले करके लोकेशन है, रबाले MID से, आई होप आपको शायद सुना होगा कभी आपने। तो वो लोकेशन में 42 मेंबर्स है। 2019 को मैंने वहां पर अग्निहोत्र डेमो किया था, और ट्वेल्थ मार्च इज मार्क्ड एज अ वर्ल्ड अग्निहोत्र डे, और तभी वो अग्निहोत्र मैंने उनको सिखाया। आउट ऑफ 42 फैमिली मेंबर्स, जैसे आज हम यहाँ पर अग्निहोत्र कर रहे हैं, वैसे उस दिन मैंने उनको अग्निहोत्र सिखाया था। तो अग्निहोत्र सिखाने के बाद 10 फैमिली मेंबर्स ने दे स्टार्टेड परफॉर्म अग्निहोत्र इन दैट बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के टेरेस में दे यूज टू हैव योगा सेशन इन इन दैट बिल्डिंग। योगा सेशन करते करते वो लोग अग्निहोत्र भी करते थे और योगा भी करते थे। सो आउट ऑफ 42 फैमिली मेंबर्स, देर वर 10 मेंबर्स दे यूज टू प्रैक्टिस अग्निहोत्र, और वन ऑफ देम वॉज अ ज्वेलर हु वॉज नेक्स्ट टू आवर बिल्डिंग ऑनली। तो उन्होंने, उनके यहाँ पर क्या होता था कि अगर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो भी अग्निहोत्र होता था, लेडीज का गेट टुगेदर होता था तो भी अग्निहोत्र करते, बिल्डिंग में गणपति का सेलिब्रेशन है तो अग्निहोत्र होता था, गरबा का सेलिब्रेशन है, नवरात्रि का सेलिब्रेशन है तो अग्निहोत्र होता है। यू नेम, हर चीज के लिए वो अग्निहोत्र से स्टार्ट करते थे। सोसाइटी का मीटिंग होता था, दे यूज टू स्टार्ट विद अग्निहोत्र। अभी ये सोसाइटी में क्यों अग्निहोत्र करना है, मैंने उनको खाली एक चीज बोला था कि आप सूर्य उदय और सूर्य अस्त ये 10 लोगों में डिवाइड कर लो, कि और वील डू दिस एक्सपेरिमेंट कि सूर्योदय और सूर्य अस्त में ये बिल्डिंग में अग्निहोत्र डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। 2019 मार्च 12 वी स्टार्टेड अग्निहोत्र इन दिस बिल्डिंग, एंड 2020 फेब उनका फैमिली डॉक्टर मीट टू दिस गाय हु वाज अ ज्वेलर, हिज नेम वाज सुधीर, और उनको मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि आप एंटायर ईयर हमारे पास आए नहीं, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लिया आपने, क्या बात है, आप कहाँ पर थे? तो ही सेड दैट वी आर परफॉर्मिंग अग्निहोत्र एंड एंटायर फैमिली एंड माय बिल्डिंग, इवन होली होली फेस्टिवल में दे आर यूजिंग दिस अग्निहोत्र ऐश एज अ अग्निहोत्र ऐश एज अ कलर, कलर के लिए। ये अग्निहोत्र ऐश है ना, आपके पूरी तरह शरीर में, सेल्स में पूरी तरह घुल मिल जाता है, जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं वो पूरी तरह अग्निहोत्र ऐश से खत्म हो जाता है। आप नित्य नियम से अग्निहोत्र ऐश का सेवन करो, अग्निहोत्र ऐश लगाए आप, ये खत्म हो जाता है। तो सुधीर भंवर जी और उनकी बिल्डिंग में जितने लोग हैं, एंड इवेंचुअली देवर 17 मेंबर्स इन सम टाइम विद इन 3 मंथ्स, और फेब्रुवरी 2020 देयर फैमिली डॉक्टर मेट एंड दे सेड दैट वी आर परफॉर्मिंग अग्निहोत्र, हेंस वी डिड नॉट केम फॉर एंटायर ईयर फॉर एनी टाइप ऑफ मेडिसिन टू यू। 2020 मार्च वॉज कोविड, राइट, इन दैट पीरियड ऑल्सो दे वर या फियरलेस, तो पूरा बिल्डिंग रेगुलरली अग्निहोत्र कर रहा, सुना एंड दिस 42 फैमिली मेंबर्स वर हैप्पीली जस्ट बाय परफॉर्मिंग अग्निहोत्र। तो अगर आपकी बिल्डिंग में अगर दो या चार मेंबर है तो आपको केवल सूर्य उदय और सूर्य अस्त को कनेक्ट करना है, कि अपनी बिल्डिंग में सूर्य उदय और सूर्य अस्त में अग्निहोत्र होता रहना चाहिए। इसका अगर हम ध्यान दें तो बिल्डिंग में कोई व्यक्ति बीमारी नहीं पड़े धीरे धीरे। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो ये एक्सपेरिमेंट सर, बहुत ही अच्छी तरह से सफल हुआ वहां पर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग में ज्यादा से ज्यादा अग्निहोत्र के ग्रुप अगर क्रिएट होता है तो दैट विल हेल्प। जैसे मैंने कल भी बोला था कि नेबर्स स्वस्थ होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादा समय हम इनके साथ बिताते हैं। एक एक और उदाहरण मैं बताता हूं। मेरे ख्याल से दयानंद जी बताते रहते हैं कि मैजिक, ब्लैक मैजिक एंड ऑल दोस थिंग्स,
या महिलाओं के साथ भी बहुत सारी तकलीफ होती रहती है कि सस्पेंडेड एनर्जीज या थर्ड पार्टी एनर्जीज ने किसी ने पकड़ लिया ऐसा कुछ। तो हमारे जो मित्र है डॉक्टर अमोल जी एक बार रीड कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक फैन हमारे मारो फुल मित्र पिक्चर नहीं बन बुड़ते नहीं जियो है। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है राइट आ मेरा सर आ आवाज? सर हाँ सुना है ये सर लाल सुना है ये उदाहरण थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने रादर मैंने सभी उदाहरण इसलिए भी आप लोगों को बताया ताकि आप को रिलेट कर सुना सको। जैसे मैंने बताया कि मैंने ना पिछले जब से मैंने अग्निहोत्र चालू किया मैंने अग्निहोत्र ऐश के अलावा कोई सोप इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। मतलब अग्निहोत्र विभूति को ही शरीर में लगाना एक उद्देश्य मान लिया। लेकिन ये मुझे पता नहीं था। व्हेन आवर फ्रेंड डॉक्टर अमोल ही टोल्ड मी कि नवनाथ आपको ये नवनाथ पुस्तक पता है क्या? कितने लोग जानते हैं नवनाथ पुस्तक के बारे में? ये एक ग्रंथ है। गोरक्षनाथ आपने सुना है? मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ नहीं है सर नवनाथ है ना। ये गोरक्षनाथ मतलब दीज आर डिसाइपल्स ऑफ महादेव। मतलब जब मच्छिंद्रनाथ ये पहले ऐसे नाथ नाथ संप्रदाय सुना है आपने? हाँ अच्छा जब योग के बारे में महादेव ने पार्वती जी को जब इसके बारे में बताया योग और प्राणायाम के बारे में तब सबसे पहला इसको मच्छिंद्रनाथ जी ने इसको सुना था। फिर बाद में ये नाथ संप्रदाय में हाँ नवनाथ भक्ति सार भी है। नवनाथ ये एक संप्रदाय है तो ये संप्रदायों में एक पुस्तक इन्होंने लिखा था नवनाथ का। एक ये पुस्तक के अंदर पांचवा अध्याय में लिखा है पांच प्रकार के स्नान लिखे हुए। उसमें अलग अलग प्रकार के स्नान होते हैं तो वो स्नान में पांचवा जो स्नान है ना वो पांचवा जो स्नान है उसमें लिखा हुआ है कि अग्निहोत्र विभूति के साथ स्नान करना चाहिए। अग्निहोत्र विभूति के साथ अग्निहोत्र विभूति के साथ स्नान करने से होता क्या है? आपको अगर किसी भी प्रकार की भूत बाधा या प्रेत बाधा हुई है उससे मुक्ति पाने के लिए अग्निहोत्र विभूति के साथ स्नान करना चाहिए। अभी ये मैं जानता नहीं था और मैं तो 14 साल से श्रद्धावश अग्निहोत्र विभूति के साथ स्नान कर रहा हूं। तो ये दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन नवनाथ ग्रंथ जो भी है हजारों वर्ष पहले लिखा गया है जिसमें पांचवा प्रकार का स्नान लिखा है अग्निहोत्र विभूति के साथ स्नान करना चाहिए। सो वेदों में तो मांडुक्य उपनिषद में प्रोसेस लिखा हुआ है वेयर एज एप्लीकेशन इज डिफाइंड इन नवनाथ ग्रंथ। तो ये कितना सटीक ये पूरा ज्ञान है जिसको मुझे भी आज तक ऐसा ही लग रहा है कि मैं केवल 5% जानता हूं। देर इज लॉट टू येट टू डीप डाइव इन अग्निहोत्र। देर इज लॉट टू वी कैन लर्न फ्रॉम अग्निहोत्र। सो ये आप लोग एक प्रयोगकर्ता बनिए। यू बी एक्सपेरिमेंटर। आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे जितना अग्निहोत्र के साथ प्रयोग करना चालू करोगे डॉक्टर्स भी दे से कि वी आर जस्ट अ प्रैक्टिशनर। वो हम से कुछ सुनते हैं फिर हमको उसके ऊपर दवा देते हैं और हमको खुद को अपने से ज्यादा और कोई जान नहीं सकता। ठीक है तो जैसे जैसे आप अग्निहोत्र करोगे वैसे वैसे ये मैं दावा नहीं करता हूं कि ब्लैक मैजिक वगैरह बट अग्निहोत्र नित्य नियम से करोगे तो क्योंकि अग्निहोत्र आपके पंच कोशों पर और पंच महाभूतों पर काम करता है। आपके पंच कोशों पर काम करता है पंच महाभूत। अग्नि इज वन ऑफ द पंच महाभूत विच गेट्स मैग्निफाइड। ठीक है तो ये सभी चीजों पर काम करता है। ये खाली आपको प्रयोग करके इसको सिद्ध करते रहना है। इट 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 हैज अ वेरियस डिजायर्ड रिजल्ट इवन ऑन ब्लैक मैजिक। सर थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद क्या सर। है ना सर एक बात तो दयानंद जी दयानंद सर भी उधर लाइन में है सर। मैं क्या बोलना चाहता हूँ एक मैंने से उसका एक क्लास अटेंड किया हूँ सर। आपको बोलना ही पड़ेगा सर आप उतना दूर है इधर क्या चल रहा है आपको पता नहीं है मालूम नहीं है सर मेरे को।
क्या है ना सर, दयानंद जी सर उसका टीम सभी कितना लाखों लोगों को इसका बारे में पता चल रहा है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कितना लोगों को विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट देने के लिए कितना मुश्किल से वो टीम ये ट्रैवल कर रहा है सर। हमें रहा तो भी उसको बेजार हो जाएगा सर, वो प्रश्न पूछता है ना सर वो ग्रुप में 3,000 4,000 मेंबर्स है सर उसका, उसका ग्रुप में एक एक ग्रुप में एक एक लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछता है सर, उसको सर को बेजारी नहीं होता है सर, उतना प्रश्न के लिए पढ़ के उसको सभी को आंसर देता है सर, उतना पेशेंस कहाँ आता है उसको, वो भगवान भगवान रहा तो भी उसको बेजार हो जाएगा सर। दयानंद सर को उसका मैडम को और उसका टीम को बेजार नहीं होता है सर, इतना मुश्किल से वो मैं पढ़ता रहता हूँ सर वो पूरा, कितना ये पूछता है ना सर क्वेश्चन, कोई ना कोई उसको आंसर देने को नहीं होता है सर, उतना बेजार करता है, एक दिन भी वो उसका आंसर नहीं निकालने से सभी रहता है ना सर, सभी थोड़ा लेट हुआ तो भी पढ़ के सभी को उसका बारे में देखता है सर, एक एक तो कलर न्यूमरोलॉजी बोला सर। दयानंद जी को तो बहुत ही साधुवाद है क्योंकि उसके लिए सर एक बार उससे मिलना है सर, मैं तो मैसूर में रहता हूँ वो नहीं है सर, मैं तो हॉस्पिटल में रहता हूँ, छुट्टी नहीं मिल रहा है मेरे को, क्या है ना सर उतना पेशेंस कहा, मैं तो लैब में रहते ही उसका ट्रीटमेंट मैं फॉलो कर रहा हूँ सर, वो क्या बोल रहा है वो मैं सभी को बोल रहा हूँ सर। किसी भी फील्ड में रहो आप कोशिश करो कि आप अग्निहोत्र से जुड़ो, क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स या तकलीफ आपके काम में आ रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा एंड आप पूरे प्रेम भाव से वो काम में तल्लीन हो जाओगे, क्योंकि मैं भी 20-22 साल से आईटी फील्ड में हूँ और बहुत खुशी से बहुत मजे से मैं कॉरपोरेट में भी अग्निहोत्र सिखाता हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्डनेस, फिर बाद में छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, ड्रग एडिक्शन के लिए भी बहुत अच्छा कारगर काम करता है अग्निहोत्र। मुझे ड्रग्स के लिए भी बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है, तो नित्य नियम से आप अग्निहोत्र करो, उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अग्निहोत्र ऐश का कंजम्पशन करने लगा उनको बताओ मत, उनके खाने में डालते जाओ, मेनी वेज दिस इज अ। और आपने ये भी सुना होगा कि लोगों को ये नेगेटिव आयंस निर्माण करने का कार्य करता है, जो हिमालय में वाटरफॉल्स के आजू बाजू में वो नेगेटिव आयंस होता है, वो नेगेटिव आयंस से आपके हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करने का काम भी ये अग्निहोत्र सक्षम है सर। ये तो मेरा एक क्वेश्चन से उद्भव हुआ था सर अग्निहोत्र का, मैं क्वेश्चन पूछा था राजेश्वरी मैडम, वो मेरे को एक तो क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था सर, मैं एक क्वेश्चन पूछा था उसको, मेरा फाइनेंशियली कितना मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वो वापस नहीं आने के लिए क्या करना करके बोला था, दयानंद जी एक ही वर्ड में बोल दिया सर अग्निहोत्र करो करके, वो अग्निहोत्र आज तक मेरे को इधर लेके आके छोड़ा है सर, मैं वो मन में सोच रहा था सर कैसा करना है कैसा, ये वीडियो सभी देख रहा था सर, आज तो वो क्या संकल्प मेरा संकल्प है दयानंद जी, क्या क्या मेरा दिमाग में क्या क्या कर रहा है सर, मैं क्या सोच रहा हूँ वो मेरे को आ रहा है सर, वो पता नहीं है कैसा आ रहा है मेरे को, वो दिमाग में नहीं सोच रहा हूँ मैं, इतना मेरे को आ रहा है सर कैसा नहीं, करना नहीं, है कैसा करना नहीं, नहीं, है सर, ये होता है, ये दिस इज द पॉजिटिव साइड इफेक्ट, मतलब अग्निहोत्र करते वक्त है ना आप कभी भी दूसरे का बुरा सोच ही नहीं पाते, मतलब ये इसका साइड इफेक्ट है, मतलब नॉर्मली हम एक है ना रेस में लगे हुए, बिफोर अग्निहोत्र यू आर इन रेस, वंस यू आर विथ अग्निहोत्र आप अपने आप को रेस से अलग कर लेते हो, आप क्या सोचते हो आप तो स्वस्थ होने ही वाले हो, आप औरों को स्वस्थ करने के मार्ग में जुड़ जाते हो, नो डाउट आपको आज जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग ये संकल्प ले कि आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हो और स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हो, और ये जो साइंस है हमारे बच्चों तक पहुंचाना, ये कोई मैं मंदार या दयानंद जी अकेले नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग जो 51 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं या 50 लोग हैं, ये 50 लोग है ना कम से कम 5,000 के जैसे हैं, मतलब हर व्यक्ति हजारों लोगों से जुड़ा है, तो आप जैसे ही अग्निहोत्र चालू करोगे तो आपके ओर से जाने वाली नेगेटिविटी आज से आगे जीवन भर खत्म हो जानी चाहिए, आप केवल पॉजिटिविटी ही लोगों तक पास करें, वो तो ठीक सही है ये संकल्प आपको लेना चाहिए। वो सर आयुष मंडल में कोई कोई रहता है ना सर, सभी को वही आ रहा है सर, एक
1 लाख के ऊपर अभी कर्नाटका में है, करको ज्यादा है पता नहीं है सर, मैं अभी अभी आया हूँ, वो सभी को नेगेटिव एनर्जी चला गया है सर। अरे ये दयानंद सर भी, मैडम भी, हर हर जवाब का, हर हाँ क्वेश्चन का आंसर दे रहा है सर, वो तो कोई नहीं देता सर। ये सोसाइटी में तो तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मैं खुद धन्यवाद मानता हूँ कि मैं दयानंद जी से इतने शॉर्ट नोटिस में जुड़ गया और मैंने ये इवेंट, उन्होंने ये इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर लिया हम सबके लिए, तो मैं उसका तो वो तो बहुत ही सर आभार उसको धन्यवाद मानता मैं भी उसका बहुत थैंक्स हूँ। बोलना चाहता हूँ सर। सर को तो यस मेरे यस को वो फोन में तो अभी आप सर कल बोला ना सर, कोई क्या तो बोला तो 800 700 जोड़ जाता है सर। उस हाँ उधर हाँ तो हाँ बात करने का चांस भी नहीं मिलता है सर, सर से बात करने का, उसको देखने का चांस भी नहीं मिलता है सर। उतना लोग उतना क्वेश्चन पूछते रहता है। आज तो भगवान को क्या मेरा ये है सर, बहुत बात करने का मौका तो मिला, आपसे मिला, और दयानंद जी सुन रहा है सर, और क्या बात उसके लिए है। है। ओ नहीं, सर दयानंद जी का जो काम है वो सबसे अलग है, मतलब मैं भी उनसे जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि आयुष मंडलम जिस स्थिति में चल रहा है उनको साधुवाद है, हम उनके साथ ही रहेंगे। अग्निहोत्र जो विंग है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और कोई एक दो सवाल होंगे तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि सर, आई हैव अ टाइम। या शारदा जी बताइए। द हैश वी हैव परफॉर्म्ड होम अग्निहोत्र सर, कैन वी शेयर इट और फॉर एनीबडी सर, द यस, पर्सन हु नॉट डू यू इट। कैन गिव इट, यू कैन गिव इट टू एनी बडी। और ये ऐश का इस्तेमाल, एक हम ऐश का वर्कशॉप रखेंगे, ऐश का मेडिसिनल यूसेज क्या क्या कैसे कैसे करना है, अगर इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड तो हम लोग एक ऐश का वर्कशॉप रखेंगे। ऐश का यूसेज कितने प्रकार की बीमारियों में हम कर सकते हैं, कैसे कैसे करना है, सर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। यू आर प्रोवाइडिंग द ऐश सर, इफ द पर्सन हु इज अच्छा, नॉट एबल टू डू इट और फॉर एनी रीजन। बिकॉज क्यों नहीं मतलब कर सकते हैं, वो बीमार है क्या? सर इन इंग्लिश कैन यू से? हाँ, इज इट नॉट वेल, हाँ वाई इज यस इट नॉट, ओके, वी कैन सेंड, यू कैन गिव एड्रेस टू दयानंद जी, वी कैन डिस्पैच अग्निहोत्राश टू दैट लोकेशन, एंड देर इज नो चार्ज फॉर गिविंग अग्निहोत्राश। ओके सर, या मेरा एक दो प्रश्न है, पूछ सकता हूँ? हाँ सर, नमस्कार सर। एक, जब अग्नि अग्निहोत्र करने के बाद जब अग्नि प्रज्वल होता है, आप बोल रहे थे कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं, हम लोग कुछ स्तोत्र श्लोक का कुछ भी कर सकते हैं ना, कर ऐसे सकते हैं सर, रेस्ट्रिक्शंस कोई चैंटिंग नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन खाली दूसरी उसको बात, ऑफरिंग के बाद है ना, उसको प्रज्वलित करने का हाँ प्रयत्न नहीं करना है। अगर वो जला अच्छा नहीं भी है तो भी उसको जलाने का प्रयत्न नहीं करना है। आपको ऑफरिंग अच्छा से पहले वो सब देखना है। ठीक है सर। और दूसरी बात यह है कि अगर वो एशेस आप हम लोग पानी में डाल के अप्लाई कर सकते हैं ना? पानी में डाल के कर सकते हैं, घी में डाल के उसका ऑइंटमेंट बना सकते हैं, आप अच्छा शतधौती कर सकते हो, देर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन डू। ओके सर, ये दो प्रश्न थे मेरे, थैंक यू। आपके घर में विक्स, मेरे घर में विक्स, झंडू बाम, ये सब 2011 से पहले, उसके बाद कभी आया नहीं। आपके घर में होगा विक्स बाम, टाइगर बाम, झंडू बाम, सब है सर, सब है। मेरा एक मिनी सब है। मेडिकल स्टोरी है। हाँ, नहीं, मेडिकल स्टोर है तो बात अलग है सर, दैट यू आर सपोज टू हैव, आई एम टॉकिंग नहीं ऑफ। नहीं अच्छा, ये नहीं घर पे है घर में एक मिनी मेडिकल स्टोर है, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए मैंने ए? बहुत कुछ लेकर रखा है। नहीं, सर ये सोच बदल दो। अगर आप हाँ अग्निहोत्र चालू कर रहे हो तो मुझे करना है, वो इसी अग्निहोत्र, वजह से मुझे शुरू अग्निहोत्र करना है। आपको अगर सर दर्द हो रहा है ना तो केवल अग्निहोत्र ऐश को ऐसे लगाना है जैसे आपने भस्म हाँ लगाया हो, बस दैट्स इट। और अग्निहोत्र ऐश से आपका सर दर्द भी चला जाएगा, मेरा कुछ 3 साल नहीं का करना है, बच्चा वो है, वो चार सेल्फ बार एडमिट सेल्फ हुआ है। है। हाँ, मेरा 3 साल का बच्चा है, वो 4 बार एडमिट हुआ है। दैट इज द थिंग आई किस लर्निंग ऑल किस दिस। चीज के लिए एडमिट हुआ है वो? वीजिंग वीजिंग आस्थमा। अस्थमा। तो उसको अग्निहोत्र ऐश हनी में डाल के दे दो सर, उसके छाती अच्छा पर अग्निहोत्र ऐश पानी में लगाओ, घी में लगाओ ओके या सर, मिक्स करके लगाओ। ओके सर, थैंक यू सो मच, आई विल डू इट। यस यस, वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगा सर, अस्थमा तो क्योर हो जाता है सर, बहुत लोगों का देखा है। खाली अग्नि अग्नि है ना, बिना धुएं के होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। अच्छा सर,
धन्यवाद सर। थैंक यू। कैन वी वाइंड अप एनी अदर क्वेश्चंस वी हैव? हेलो सर, व्हेनेवर वी आर ड्रिंकिंग वाटर, लेट मी से वी विल टेक वन टम्बलर, वी कैन जस्ट ऐड पिंच एंड देन ड्रिंक। यस यस, यू कैन ऐड पिंच। अभी ये मेरे घर का पानी जो है ना, ये हमारे अर्दन पॉट का पानी है। देखो इसमें वो ऐश पूरी तरह सेटल हो जाता है, तो वही पानी हम पीते हैं। मेरे पास किसी भी प्रकार का आरओ नहीं है, किसी भी प्रकार का एक्वा गार्ड या कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज देयर फ्रॉम 2011, तब से आज तक लिया नहीं है सर। सर एक और प्रश्न है, अगर छान लिया तो, पूरा एशेस छान लिया तो वो जो एश वो रहता है उसके ऊपर, वो हार्ड मटेरियल आपके पेड़ पौधे को डाल दीजिए, और जो फाइन पाउडर है, ये फाइन पाउडर जो बच जाता है, ये अभी ये ब्लॉक है जलने के बाद, ठीक है? फिर इसको आप स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके जो फाइन पाउडर है वो कांच के बॉटल में डालो, और एक ब्लॉक वाला दूसरे बॉटल में स्टोर कीजिए, ठीक है? इसका इस्तेमाल आप एज इट इज इसमें दंत मंजन के लिए कर सकते हो डायरेक्टली। हाँ सर, वी आर यूजिंग दैट। चेहरे पे लगाओ, चेहरे में इट एक्ट्स लाइक अ कॉस्मेटिक, एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक। आप इसका लेप लगाओ चेहरे पे, जितने भी दाग हो, पुराने दाग सब खत्म हो जाते हैं। हेलो, यस सर। हेलो, हाँ हाँ सर, विटिलिगो से क्या ट्रीटमेंट हो सकता है आदमी, वो तरह से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं विटिलिगो, विटिलिगो पेशेंट्स को? विटिलिगो मतलब ये पैर का, पैर के इसमें होता है ना प्रॉब्लम? नहीं सर, हाथ में भी हो सकता है, फेस में भी हो सकता है, कहां है सर? व्हाइट पैचेस में ना अग्निहोत्र ऐश घी में लगाओ तो फर्क पड़ता है, घी में अग्निहोत्र, और अग्निहोत्र ऐश को कंज्यूम करना है। कौन सा भी घी ले सकते हैं क्या सर? देसी गाय का घी होना चाहिए, वो बिलोना, ट्रेडिशनल बिलोना मेथड से बना हुआ इसमें। लेकिन है ना, थोड़ा प्रयोग करते रहना पड़ता है सर। क्या होता है, आप इसको घी में मिक्स करो और स्किन पे लगाते जाओ, और अग्निहोत्र ऐश का कंज्यूम भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 बार कंज्यूम करना है। और अग्निहोत्र ऐश कंज्यूम करने से ना किसी भी प्रकार का स्टोन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। कि लोगों को आएगा कि मैं अग्निहोत्र ऐश कैसे कंज्यूम करूँ, ये केवल जबान के नीचे रखना है, इससे किसी भी प्रकार का स्टोन नहीं होता है। मैं टेस्टिमिनल हूँ, पिछले 13 साल से रेगुलरली अग्निहोत्र ऐश कंज्यूम कर रहा हूँ। सर क्रैश कर सकते हैं क्या सर? सर क्रैश कर सकते हैं क्या सर? वो काउडंग होता है ना, एशेस होने के बाद भी स्ट्रांग मटेरियल होता है ना, और रिमेनिंग स्ट्रांग मटेरियल छाने के बाद क्रैश कर सकते हैं क्या सर? स्ट्रांग वाला है ना, वो जो हार्ड मटेरियल है वो सीधा प्लांट्स में डाल दीजिए, जो फाइन पाउडर आता है स्ट्रेन करने के बाद वही आप इस्तेमाल करना। अभी मेरा अग्निहोत्र ऐश है ना पूरी तरह से, अच्छी तरह से प्रज्वलित जल गया है, तो मुझे पता है कि वो पाउडर हो चुका है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। और कोई सवाल, एक आध सवाल ले सकता हूँ, उसके बाद क्लोज करते हैं। देयर इज लॉट आई कैन शेयर, मतलब बहुत सारे अनुभव है मैं शेयर कर सकता हूँ सर, लेकिन आप, हाँ या मेंसा जी? सर ये किडनी पेशेंट्स ये ऐश ले सकते हैं क्या सर? 100% ले सकते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट, पानी में कैसे ले सकते हाँ, सेम सेम प्रोसीजर सेम ही है, जबान के नीचे रखना है, लेकिन उनको खाली एंश्योर करना है कि इसको स्ट्रेन किए बगैर नहीं लेना है। ओके, हाँ स्ट्रेन करके ले, उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं। किडनी पेशेंट को बाहर से अप्लाई भी कर सकते हैं अग्निहोत्र ऐश अलोंग विद घी एज एन ऑइंटमेंट। अभी आगे से आपके घर में किसी भी प्रकार का विक्स, जड्डू बाम, टाइगर बाम ये होना नहीं चाहिए, इसका आप ऑइंटमेंट बनाकर घर पे रख सकते हो, और आपका सर दर्द हुआ अग्निहोत्र ऐश लगाओ, बस खत्म। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। माय पेरेंट्स हैव सीवियर बॉडी पेन, दे आर, वन इज 80 इयर्स एंड माय मदर इज 75 इयर्स, सो व्हाट कैन बी डन सर? If somebody can perform अग्निहोत्र नियर बाय इट्स ओके, अदरवाइज आप उनको अग्निहोत्र ऐश दे दो, उनके शरीर में लगाने के लिए बोलो, पानी के साथ लगाओ और नहाने से पहले लगाइए आप,
नहाने के बाद नहाने के पानी में इस्तेमाल कीजिए, उनके पीने के पानी में अग्निहोत्र ऐश का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ठीक है, अगर वो धीरे धीरे अग्निहोत्र कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर उनके पास कोई है साथ में तो वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। हाँ ओके ओके सर। मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास है ना स्वयं पाक घर है। एक किरण जी ने बताया कि उनके पास पूरा मेडिकल स्टोर है, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा जो स्वयं पाक घर है ना उसमें हर चीज में आपको अग्निहोत्र ऐश इस्तेमाल करना है। हाँ आप बहनों को, बहनों से मैं बहुत अपेक्षा रखता हूँ कि आप घर में किसी को बीमार पड़ने दोगे ही नहीं आगे से। आप खुद तो बीमार नहीं पड़ोगे और किसी और को बीमार पड़ने नहीं दोगे। सर, ठीक है, एपिलेप्सी पेशेंट के लिए रिजल्ट आ सकता है? एपिलेक्स, ये दिस इज रिलेटेड टू ब्रेन ओनली, राइट? जी सर। यस सर। हाँ यस यस, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अग्निहोत्री डायरेक्टली वर्क्स ऑन योर न्यूरॉन्स, आपके ब्रेन सेल्स को रिन्यू करने में काम करता है। अगर वो जो भी पेशेंट है अगर वो खुद से अग्निहोत्र करता है तो जल्दी रिलीज हो पाएगा इसमें से, और उसको अग्निहोत्र ऐश कंजम्पशन के लिए देंगे। इसके आप homa.one करके साइट है, इसमें ना बहुत सारे अलग अलग बीमारियों पे इसके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। ठीक जी है, एक शांति पाठ करके क्लोज करते हैं। इफ यू आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस, होप आप लोगों को ये जानकारी बहुत सटीक लगी या आप समझ पाए। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एंटायर जर्नी ऑफ अग्निहोत्र फ्रॉम लास्ट 3 डेज। थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर योर ओन सेल्फ। आजकल खुद यू के सर। लिए समय नहीं होता है लोगों के पास, खुद के लिए अग्निहोत्र यही है, खुद के लिए समय निकालवाना आपको सिखाता है कि कैसे खुद के लिए समय निकालना है। और मैं दयानंद जी का धन्यवाद करता हूँ, दयानंद जी आयुष मंडलम की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये अग्निहोत्र का एक, ये सेमिनार यहाँ पर खत्म नहीं होता है, यहाँ से आपके जीवन में उतारना आपको शुरू करना है। आपको जो भी समस्या है आप दयानंद जी से या मुझसे आप बात कर सकते हो। वी कैन विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस गोइंग फॉरवर्ड। एक शांति पाठ करें हम सब मिलकर, इफ यू ऑल आर ओम देव शांति अंतरिक्ष पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिवनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी का धन्यवाद, सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक जी। थैंक यू सर। यू थैंक सो यू मच सर। फॉर थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू वेरी यू, मच। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू सर। यू। थैंक यू जी।